तो यार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारी कुड़ुक मुर्गी थी वो कहाँ पे गई और उसके अंडे भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं और वो मुर्गी भी यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो वो यार मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पिजन्स हैं उनको हम नहलाने वाले हैं, जिसके यार कीड़े हो रहे थे उस पिजन को हम नहलाने वाले हैं। और दवा मैं आपको दिखाता हूँ, वही दवा है जो हम लेके आए थे, हम पहले लेके आ चुके थे, देख लीजिए, इसका नाम है बूटॉक्स। तो ये दवा हम लेके आ चुके हैं हमारे पिजन्स के लिए, इससे हम उनको नहलाएंगे आज। तो आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है लेकिन आज फिर भी आज नहला देता हूँ मैं, क्योंकि यार वो ज़्यादा ही हमारे परिंदों को यार परेशान कर रहा है वो। तो आज धूप तो है फिर भी मैं नहला देता हूँ उन्हें, मतलब कम धूप है फिर भी मैं नहला देता हूँ उन्हें। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके हमारे परिंदों को नहलाते हैं। उससे पहले हम ये दवा पानी के अंदर मिला लेते हैं और मैं आपको कुड़ुक मुर्गी के बारे में बताऊँगा। तो पहले हम नहला लेते हैं परिंदों को, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यार ये देख लीजिए, ये है हमारे पास बूटॉक्स, अब हम पानी के अंदर मिलाते हैं। ये हमारे पास 5 ml पानी है तो इसके अंदर हम मिलाते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मिला देता हूँ। तो 5 ml पानी के अंदर हमें क्या कहते हैं, 3 ml मिलाना है 5 ml पानी के अंदर। तो मैं इस ढक्कन पे जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से इसके अंदर मिलाता हूँ। ये मैंने देख लिया 3 ml मिला लिया है इसके अंदर। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत तेज़ दवा होती है, जितनी कम हो सके उतनी आप मिलाइएगा इसके अंदर। तो देख लीजिए पानी हमारा मिल चुका है इसके अंदर। जल्दी से हम क्या करते हैं, अब कबूतर लाते हैं और उन्हें नहलाते हैं एक एक करके। तो आप देख सकते हैं पानी कलर थोड़ा वाइट हो चुका है और हमारे जो हम न्यू पिजन लाए थे तो इसके अंदर थोड़े कीड़े मीड़े लग रहे हैं मुझे, शायद कीड़े हों और कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम इसे नहला देते हैं। तो नहलाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने कबूतर को पकड़ लिया है, इसकी आँख और नाक पानी नहीं जाना चाहिए, आप जितना अच्छे से हो सके इसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे पानी के अंदर डुबा दीजिए। इसकी नाक और आँख के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए और अच्छे से कबूतर को पकड़ना है आपको। इसके अंदर आपको कम से कम 4 या 5 मिनट डुबा के रखना है पानी के अंदर। तो हम डुबा के रखते हैं और इसके पैर मारे अच्छे से खुल जाएंगे। उसके अंदर आँख और नाक में पानी नहीं जाना चाहिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो इसकी आँख और नाक खराब, मतलब आँख फूट सकती है और मुँह में गया तो यार इसके बहुत सी डिसीज़ हो सकती हैं इसको, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो देख लीजिए किस तरह से मैं आपको पकड़ के रखे हूँ। तो देख लीजिए यार मैंने 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर मैंने डुबा के इसे निकाल लिया है। अब थोड़ा इसे मैं हाथ में पकड़े रहूँगा क्योंकि इस चोंच के अंदर पानी ना ले सके और अपनी आँख के अंदर, और इसे थोड़ा थोड़ा सूख जाने देना है, मतलब पानी नितर जाने देना है पूरा। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से बहुत देर तक पकड़ के रख सकते हैं, मैं भी इसे आराम से पकड़ के रखूँगा क्योंकि इसकी आँख में पानी ना घुसे और इसकी मुंडी को भी मैं पकड़े हुआ हूँ। तो देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने इसे नहला दिया है, अब इसे मैं धूप में जाके छोड़ दूँगा। तो पहले इसे पकड़े रखता हूँ कुछ मिनट तक। तो देख लीजिए इसका पानी पूरा निथर चुका है, मतलब अब कुछ पानी बचा है इसके अंदर। तो इसे मैं यहाँ पे अभी धूप में बिठा देता हूँ, देख लीजिए कि यहाँ पे धूप है अच्छे से, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसे, अब ये अपने आप को साफ़ कर लेगा। देख लीजिए, एक काम करता हूँ, मैं इसे ऊपर छत पे छोड़ के आता हूँ, अब ये उड़ नहीं पाएगा गीले पर होगा, इसे पकड़ता हूँ, इसे ऊपर छोड़ के आता हूँ मैं इसके मुँह को पकड़ के, क्योंकि यार अभी इसके मुँह पानी नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसे ऊपर छोड़ के आता हूँ, चलिए ऊपर जाके मिलते हैं। तो इसे यहाँ पे हम छोड़ने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ धूप भी अच्छी है तो यहाँ पे अच्छे सूखता रहेगा, देख लीजिए अभी यहाँ पे सूखेगा। और कबूतर लाता हूँ मैं जल्दी जल्दी नहला के, इसके साथ ही उन्हें छोड़ देंगे जल्दी से, क्योंकि कुछ ही देर की धूप है आ रही है, बारिश का मौसम है, तो इन्हें नहलाना ज़रूरी था मुझे क्योंकि बहुत कीड़े हो गए थे। चलिए मैं और कबूतर को नहलाता हूँ, चलिए नहीं जल्दी चलते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा सफ़ेद कबूतर है, तो इसको भी हम नहलाएंगे। उससे पहले हम इसके थोड़ा यार पर खोल देते हैं पानी के अंदर क्योंकि इसके जुएँ जुएँ निकल जाएँ। ये देख लीजिए आप, इसके ये दिख रहे हैं काले काले कीड़े। तो देख लीजिए इसे हमने नहला दिया है, इसे भी हम जल्दी से ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलिए छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी और पिजन को भी नहला लेते हैं, मैं छोड़ के आता हूँ। तो यार अब बारी है हमारे बच्चे की, जो देख लीजिए हमारा बेबी पिजन है। तो देख लीजिए इसके कीड़े यार अभी भी हैं इसके परों में, देख लीजिए ये देखिए काले पड़ने लगे हैं ये कीड़े और तेज़ हो रहे हैं, ये देख लीजिए आपको साफ साफ दिख रहे हैं कीड़े लगे हुए और मक्खी भी इन्हें परेशान कर रही है। तो इसे मैं आज नहलाऊँगा, चलिए बेबी पिजन को अपन आराम से नहलाते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से मैं बेबी पिजन को पकड़ लेता हूँ और इसको भी पानी के अंदर डिप कर दिया है मैंने, मतलब डुबा दिया है। तो देख लीजिए कितने अच्छे से नहा रहा है,
बस थोड़ा सा परेशान होगा, सोचेगा कि यार मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं यार, इसे अभी धूप में छोड़ देंगे अपन, तो माशाल्लाह से धूप भी बहुत अच्छी से निकल चुकी है, तो इसे देख लीजिए मैं एक करके ऐसे इस पर मल लेता हूँ, तो देख लीजिए आप चाहें तो अकेले भी इसे नहला सकते हैं ऐसे आपके पिजन को, लेकिन हमारा बेबी पिजन बहुत, देखिए इसके परों में ये कीड़े लग रहे हैं इसके, निकाल देता हूँ मैं हल्के हल्के से, नहीं तो इस दवा से वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि ये दवा यार बहुत तेज़ होती है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, देख लीजिए। तो यार देख लीजिए हमने हमारे बेबी पिजन को नहला दिया है, तो देख लीजिए इसका पूरा पानी अब नितर जाने देते हैं इसके अंदर ही, और आपको मैं जुएं दिखाता हूँ, इधर आइए पास से, ये देख लीजिए छोटे छोटे डूब गए अंदर पानी के, तो ये निकल चुके हैं इसके अंदर कीड़े, और अभी ये धूप में हम छोड़ेंगे इसे तो ऊपर निकल जाएंगे। ये देखिए ये मरा हुआ है इसके ऊपर, ये ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मरा हुआ है, ये देख लीजिए ये मरा हुआ है एक कीड़ा, तो आप ये पूरे कीड़े झड़ जाएंगे धूप में, और इसे धूप में 15-20 मिनट बिठाएंगे हम, तो देख लीजिए पूरा पानी हम इसका पहले नितार देते हैं, क्योंकि इसके अगर आँख में नाक में चला गया तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें, चलिए ऊपर लेके चलते हैं इन्हें। तो देख लीजिए हम आ चुके हैं धूप में हमारे बेबी पिजन को लेके, तो देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकल चुकी है, अब हम इसे छोड़ देते हैं ऊपर अपनी मर्ज़ी से, देख लीजिए कितना सा लग रहा है ये, देख लीजिए अपने आप ये परों को साफ़ करेगा, देख लीजिए किस तरह से साफ़ कर रहा है अपने परों को, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं धूप निकल रही है अच्छे से, इसे हम एक या दो घंटे धूप में ही बैठा रहने देंगे, और जल्दी से हम हमारे लकी पिजन्स को भी नहलाते हैं, अब चलिए जल्दी लकी पिजन को नहलाते हैं। तो यार देख लीजिए यहाँ पे हमारे हैं बाजी कबूतर और यहाँ पे हमारे लकी कबूतर, तो जल्दी से पहले हम लकी कबूतर को पकड़ लेते हैं, पहले मेल को नहलाएंगे हम फिर फीमेल को नहलाएंगे, तो देख लीजिए कितने गंदे हो चुके हैं ये, और इनमें देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा कीड़े, मैं आपको चलो वहीं चल के दिखाता हूँ, तो देख लीजिए ये हम आ चुके हैं लकी पिजन को लेके हमारे मेल पिजन को, इसमें देख कितने यार छेद करे हैं इसके परों में यार, तो जहाँ से हम लाए थे वहाँ पे इसकी केयर नहीं होती थी, तो यार ये बहुत परेशान करने वाला है हमें, तो जल्दी से इसे भी हम नहलाते हैं, तो ये पानी के अंदर गई इसकी पूंछ पहले, तो ये बहुत परेशान करेगा, मुझे लग ही रहा था, हाँ इसके परों को भी टाइट पकड़ना पड़ेगा हमें, देख लीजिए इसके अंदर से जुए निकलना चालू हो चुके हैं, देख लीजिए इसके अंदर तो यार मक्खी भी है, तो वो भी साफ़ हो जाएगी, तो बहुत परेशान कर रहा है, सोच रहा है पता नहीं क्या कर रहा है, दोनों हाथ से मैं इसे पकड़ लेता हूँ, पहले इसकी पूंछ नहला देता हूँ, मतलब पूंछ को धो देता हूँ अच्छे से, जो पूंछ के अंदर जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे, तो चलिए हम इसे पूरा नहलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए ये हमारा लक्खा है, और आप देख लीजिए लग नहीं रहा होगा आपको ये हमारा लक्की पिजन है, और देख लीजिए हमने इसे पूरा नहला दिया है अच्छे से, क्योंकि यार इसमें बहुत से कीड़े निकले हैं, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में जब वीडियो एंड होगी, तो देख लीजिए अभी पूरा मैंने नहला दिया है इसे, कितना अच्छे से नहा लिया है इसने, इसकी मुंडी को यार लेकिन मैं नहला नहीं पाया था, तो इसकी मुंडी भी धो देता हूँ मैं हल्की हल्की सी, क्योंकि यार इसकी मुंडी भी ख़राब हो रही थी। चलिए इसे ऊपर छोड़ते हैं अपन, इसकी मुंडी धुला दी है जैसे तैसे मैंने, तो ऊपर ले चलते हैं इसे, तो आप देख लीजिए लकी पिजन को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, और ये है हमारा लकी पिजन, आप देख लीजिए किस तरह का लग रहा है ये, अभी मुंडी से इसे कुछ करने नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी आँख में ना चला यार थोड़ा झटका ले, पर देख लीजिए हमारा लकी पिजन, तो चलिए और पिजन को नहलाते हैं हम, इसकी फीमेल को नहलाते हैं, तो यहाँ पे हमारी लकी पिजन फीमेल है, तो इसे भी उठा लेते हैं जल्दी से और इसे भी नहलाते हैं अपन, तो देख लीजिए मैंने इसे पूरा नहला दिया है, बहुत देर हो गई है मुझे, तो ये देख लीजिए मैंने इसे अच्छे से नहला दिया है, इसे अब ऊपर लेके चलते हैं, तो देख लीजिए ये हमारा लकी फीमेल है, तो इसे भी छोड़ देते हैं, तो देख लीजिए ये हमारा बच्चा सूख रहा है यहाँ पे बैठ के, तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे लकी को देख लीजिए, और पहले वो लकी पिजन वहाँ पे बैठा हुआ है, और ये फीमेल है, अब ये सूखेंगे यहाँ बैठ के, तो इन्हें सूखने देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी ये फीमेल को भी छोड़ना है बाजी, तो अब यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, देख लीजिए
ये देख लीजिए कैसे अपने परों को साफ़ कर रही है। और यहाँ पे हमारी ये देखिए लक्का फीमेल बैठी है यहाँ पे, बिल्कुल आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे जो हमारा बच्चा बैठा हुआ है माशाल्लाह से धूप में तप रहा है अभी, और यह बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा यार धूप निकल गई, नहीं तो यार ऐसे नहला नहीं पाते हम। और अभी हमारा यार वो कल धूमी को नहीं नहलाया है हमने, और एक हमारे लाल बच्चे को नहीं नहलाया है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है देख लीजिए। वो पकड़ा नहीं रहा है यार, अभी उड़ रहा है हवा में, इसलिए मैं उन्हें नहला नहीं पा रहा हूँ, तो उन्हें मैं कल मल नहला दूँगा। तो ये देख लीजिए ये हमारे यहाँ पे कबूतरों ने तो नहा लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कुड़ुक मुर्गी, तो चलिए कहाँ है वो। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमने कुड़ुक मुर्गी बिठाई थी यहाँ से मैंने वो हटा दी है। तो यहाँ पे दूसरी मुर्गी अभी आके बैठी हुई है, तो वो मैंने हटा दी है, तो इसको अंडा देना है लगता है, इसलिए यहाँ आइए ये, तो देख लेंगे अगर देगी तो। लेकिन यार इसने अभी ये बैठी नहीं रही है, यहाँ पे जो हमने कुड़ुक मुर्गी बिठाई थी वो नीचे से ली गई है उठ के, तो उसके अंडे भी हमने हटा लिए हैं। और उसके अंदर उसने एक और अंडा दे दिया था अपना, तो वो अंडा भी मैंने हटा दिया है। अगर वो नीचे कुड़ुक होती है और बैठती है तो हम उसकी कल वीडियो बना लेंगे। तो कल तो यार ईद है, तो आपको एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो बाकी जो मुर्गी हमारी ये अंडे दे रही हैं शायद ये कुड़ुक हो जाएँ, वो तो अभी शायद नहीं हुई है, अगर होती है तो मैं आपको कल बता ही दूँगा। तो देख लीजिए ये हमारी कुछ मुर्गी हैं। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।